हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज के नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाथरूम के टाइल्स की, कि किस प्रकार से उसका टाइल्स लगाना चाहिए और किधर पे हमको हाइलाइटर यूज करना चाहिए। उसमें सबसे मेन रहता है खिड़की का, जो कि आज हम सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आगे चौखट बनाया गया है वो ग्रेनाइट में किस प्रकार से बनाया गया है और कौन से ग्रेनाइट में बनाया गया है। तो इसके चौखट की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्ल ब्लैक ग्रेनाइट में बनाया गया है, जो कि आपको मार्केट में 100 रुपये से 110 रुपये के बीच में आपको आसानी से हर जगह पे अवेलेबल होता है, हर दुकान पे मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चौखट कंप्लीट बनाया गया है, जो कि इसमें बहुत लोग का शक होता है कि ग्रेनाइट के चौखट में अपना थोड़ा क्रैक पड़ जाता है, बाद में स्क्रू मारते हैं और जिधर होल मारते हैं उधर पर थोड़ा टूट जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वो थोड़ा आपका दूर हो जाएगा, कि वैसा कुछ नहीं होता है। जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता, वो हर चीज़ में अच्छे से बिठा देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको ग्रेनाइट का डोर है और आपके मन में संदेह है कि टूटे ना, तो कभी भी आप उसमें एक्सपर्ट से ही मिलिए, उसके हिसाब से आप बनवाइए, काफ़ी अच्छा बन जाएगा। इस प्रकार से पूरा डोर कंप्लीट बना हुआ है अंदर से बाहर तक, जो कि आप देख सकते हैं नीचे उसका उमरा भी बिठाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं अपना कि जो बाथरूम है, तो बाथरूम के सबसे पहले फ्लोरिंग की बात करते हैं। तो ये यानी मैट पॉलिश में जो कि पैर ना फिसले उसका टाइल्स लिया गया है कम्प्लीट 1x1 का। और उसके बाद आप देख सकते हैं इधर पे उसी से मैचिंग का डार्क टाइल्स लिया गया है 2x1 का, 2x1 का आप देख सकते हैं तीनों तरफ से लिया गया है कंप्लीट। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं वाइट टाइल्स लिया गया है एक लाइन इस प्रकार से। और उसके वाइट के ऊपर फिर आप देख सकते हैं कि दो लाइन हाइलाइटर लिया गया है, जो कि हाइलाइटर आप देख सकते हैं कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं उस प्रकार से कुछ डिजाइन है। तो इस प्रकार से भी अगर आपको कुछ पसंद है हाइलाइटर तो वो भी आप अपने घर में डलवा सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या लुक आएगा। सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में बात किया था कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो इसका मेन होता है वो विंडो होता है, तो विंडो का टॉप बहुत लोग क्या करते हैं इधर से स्टार्ट कर देते हैं ऐसा, इसको हाइलाइटर को कट करके डाल देते हैं। तो कभी भी आप अपने हाइलाइटर को कट मत करवाइएगा, क्योंकि इसको 2 फीट में ऐसा टोटली उसको जाना चाहिए, बीच में किधर तो कट नहीं पड़ना चाहिए उसका जॉइंट। इसलिए आप या तो उसको यानी जो उसका बांध काम होता है उसको तोड़ दें, नहीं तो उसमें और बांध काम करवा दें, लेकिन वो इसी प्रकार से लगवाएं। और उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं कि जो कितना फिट गया है, तो इसके ऊपर 4 फिट टाइल्स लाइट की लगी गई है, जो कि सबसे नीचे आता जाता है अपना डार्क और उसके ऊपर आ जाता है अपना लाइट, उसके ऊपर आ जाता है अपना हाइलाइटर, उसके ऊपर आ जाता है अपना लाइट, जो कि नीचे 2 फीट का डार्क, 1 फीट का वाइट और 2 फीट का हाइलाइटर और 4 फीट का लाइट, जो कि टोटली मिला के 9 फीट हो जाते हैं कंप्लीट। तो 9 फीट में क्या लुक आएगा अपना टाइल्स का उसका देख सकते हैं कि टोटल ऊपर से नीचे तक 9 फीट का क्या लुक आएगा। तो इस प्रकार से अगर आप करवाते हैं तो अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम तक पहुँचाते रहें और हमें भी थोड़ा हौसला मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।